गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारी मैथ ऑनलाइन क्लासेस में एक्सरसाइज चल रही थी 3.2 की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर लिया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो क्या है, क्वेश्चन है कि आपको न्यू कॉर्पस के साथ उनके सुनिंग दिए गए हैं और अन्य सुनिंग याद कीजिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था जो बहुपद जितने घात का होता है उतनी उसे क्या होते हैं, सुनिंग होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुपद कितने घात का है हमारा, अधिकतम बात कितनी है 4, तो इसी कितने सुनिंग होंगे हमारे पास 4 सुनिंग होंगे, जिसमें से आपको 2 सुनिंग दे दिए गए इस इसमें। एक तो सुनिंग आपका रूट 2 और एक दूसरा क्या आपका माइनस का रूट 2, यानी 2 आपको सुनिंग दे दिए गए। तो अन्य कितने बच गए हमारे पास, 2 सुनिंग बच गए, वो 2 सुनिंग क्या हमें करने हैं। हमें देखो 2 सुनिंग दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, रूट 2 और माइनस के रूट 2 दिए हैं। तो अगर हमारे पास ये सुनिंग है क्योंकि रूट 2 और माइनस के रूट 2 दो सुनिंग है, तो अगर ये इसकी सुनिंग है तो अगर हमारे पास एक तो होगा एक्स इज रूट 2 हो जाएगा, एक्स रूट माइनस रूट 2 एक मिनट का, और इसके लिए क्या बनेगा एक्स माइनस है तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस रूट 2। ये दोनों क्या होंगे इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, क्योंकि इसी से निकल के आएगा, इसी से देखो एक्स कॉस टू माइनस में क्या आ जाएगा प्लस का रूट 2 और इसी के अंदर क्या आ जाएगा एक्स कॉस टू माइनस के रूट 2, यानी दो सुनने वाले हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, अतः एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2 एफ एक्स के गुणनखंड होंगे। और अगर हम इसको हल करते हैं, इसको एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक ए माइनस बी ए प्लस बी, और उससे क्या बनता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, ए क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इससे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, यानी ये क्या होगा आपका एफ एक्स का गुणनखंड, यानी ये एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा का गुणनखंड है। अगर ये सब गुणनखंड है इसका मतलब इसमें पूरा कंप्लीट भाग जाएगा, तो हम अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या करेंगे एफ एक्स के अंदर भाग लगाएंगे, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया था, भाग लगाना मैंने आपको सिखाया था, तो इसी प्रकार हम भाग लगाएंगे। तो हमारा वैल्यू क्या है एफ एक्स की, वो है 2x के पावर 4 माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और किसका भाग लगाना है, ये गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या है इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब इसका पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका हम भाग लगाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। जैसे कि मैंने पहले भी सिखाया था आपको भाग लगाना, यहाँ पर पहला वर्ड कौन है, पहला हमारा 2x की पावर 4, तो इसका भाग लगाएंगे यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर कौन है मेरे टर्म एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2x स्क्वायर, तो पहला टर्म जो होगी हमारी वो क्या आएगी 2x स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 2x की पावर 4, फिर 2x स्क्वायर को हम इससे करेंगे माइनस के 2 से, तो किसका आ जाएगा माइनस 2 2 जा 4 और x स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर की टर्म है इसके नीचे लिख देंगे हम, ये है माइनस का 4 x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर की टर्म आएगी हमारे पास, अब इसको हम करेंगे तो क्या कर देते इसको माइनस, तो ये माइनस दो प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एक तो उसी को माइनस ए 3x की क्यूब, और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कितने प्लस के 4 हो गए हैं और एक्स स्क्वायर यहाँ कितने माइनस के 3, तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस के 3, 4 में से 3 माइनस के 3 रहते हैं प्लस का 1 बचेगा, क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर क्या है आपका प्लस के 6x है, फिर माइनस के 2। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास माइनस के 3x की क्यूब, फिर 6 का भाग लगा देखते हैं एक्स स्क्वायर का लगाएंगे तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस के 3x, तो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास माइनस के 3x, तो माइनस के 3x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो पहला वन ये आएगा माइनस के 3x की क्यूब, और माइनस के 3 को माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6 और क्या आएगा x,
तो 3 2 6 तो 6x आएगा इसमें नीचे लिखूंगा मैं 3x क्यों माइनस इनटू माइनस प्लस और 3x को 2 से करेंगे तो 3 2 6 यानी 6 आएगा अब ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस तो हमारे पास ये वैल्यू 0 हो गई कौन बच गया x2 बच गया हमारे पास और कौन आया 6x में से 6 हो गए तो 0 कौन बचा 0 माइनस के 2 अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारे क्या बची x2 क्या बचा हमारे पास x2 में इसका डिवाइड करेंगे x2 का तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 1 प्लस के 1 तो 1 को इसमें इनटू करेंगे तो x2 1 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 2 तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास प्लस तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0 तो हम क्या देख रहे हैं ये कंप्लीट विभाग जा रहा है इसके अंदर इन कंप्लीट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये क्या था इसका गुणनखंड था तो ये जो भाग आया आपका ये भी क्या होगा इसका आएगा गुणनखंड होगा किसका होगा गुणनखंड fx का इसका fx का क्या होगा ये भी क्या होगा गुणनखंड क्योंकि आप किस तरीके से लिखते हैं कि भाज्य ये क्या भाज्य fx हम आपके लिखेंगे fx जो भाज्य है fx को किस फॉर्म में होता है भाजक इनटू भागफल तो भाज्य क्या है x स्क्वायर माइनस 2 और इनटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 भाज्य का मतलब होता है भाजक इनटू भागफल प्लस क्या होता है शेषफल और शेषफल क्या है 0 इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ गया गुणनखंड बना दें 0 की तो लिखने की जरूरत नहीं है तो ये दो आइडियल गुणनखंड था इससे हमारे पास दोस्तों ने क्या थे √2 और -√2 अब क्या करेंगे हम इसको हल करेंगे इसको और ये कौन सा है फर्स्ट डिग्री बात करो ऊपर तो क्या करते हैं 2 1 जा 2 हम गुणा कर देंगे तो 2 यानी 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने का क्या है 3 इसको तोड़ देंगे हम तो 2x स्क्वायर माइनस 3 इसको कर लेंगे माइनस के 2x माइनस का 1x तो हो गया क्या माइनस के 3x और 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 भी मिल जाएंगे और प्लस का 1 तो इसमें से ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 2 और इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 1 और माइनस का 1 ले लेंगे तो इसमें क्या आएगा हमारे पास x माइनस 1 ये आ गया तो तीन गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास इसके अलग से और ये तो x स्क्वायर माइनस 2 एक गुणनखंड क्या आएगा हमारा 2x माइनस 1 और एक गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 1 ये हो गए इसमें fx के गुणनखंड या फिर इससे एक गुणनखंड ये आया और एक गुणनखंड हमारे पास क्या है तो एक शून्य इससे आएगा और एक शून्य तक हमारा इससे आएगा और किस तरीके से है हम निकालते हैं अब इसको किसके बराबर रखेंगे हम जीरो के बराबर रखेंगे तो हमारा गुणनखंड आ जाएगा और किस तरीके से है अब देखते हैं अभी तो हमारा देखो गुणनखंड क्या आएगा यदि पहले इसको रखते हैं हम 2x माइनस 1 इक्वल टू किसके ऊपर रखते हैं 0 के तो हमारे पास देखो 2x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1 के बराबर प्लस का 1 तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 2 तो एक शून्य तो ये हमारे पास ये आ गया दूसरा यदि ये 0 के इक्वल हो यदि x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो 0 तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 1 एक शून्य भी आ गया तो टोटल कितने शून्य हो गए हमारे पास 4 शून्य हो गए 4 हो गए 1 2 और दो से ले रखे थे 3 और 4 और कितने घात का था देखो 4 घात का तो हमारे पास 4 शून्य के आ गए तो अन्य जो शून्य के हैं वो दोनों ये हैं अगर fx के ये कौन कौन से शून्य का है x plus 2 root 2 एक आया हमारा minus के root 2 एक आया हमारा root 2 और एक क्या आया 1 कौन सा है 1 शून्य के हैं शून्य के ये हो गया हमारा शून्य के अर्थ करना ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको अगर तीन घात का क्वेश्चन देता है उसमें एक शून्य देगा अगर अगर वो क्वेश्चन में चार घात का बहुपद है तो आपको दो शून्य का आपको दिए जाएंगे दो शून्य आपको ज्ञात करने पड़ेंगे और अगर वो क्वेश्चन में तीन घात का बहुपद देता है तो उसमें आपको एक शून्य देगा और दो शून्य आपको ज्ञात करने पड़ेंगे और वो दो शून्य किससे निकलेंगे जो हमारा भागफल आया था जो हमारे को भागफल आया था उसी से हमारे क्या लेंगे शून्य लेंगे और जो भागफल आता है वो क्या आता है मिसाल द्विघात बहुपद होता है वो कितने घात का होता है द्विघात बहुपद इससे हमारे पास कितने शून्य का है वो जो शेष को शून्य का है वो हमें ज्ञात हो जाते हैं द्विघात बहुपद से तो इस प्रकार से हम आसानी से दो शून्य ज्ञात कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा दो शून्य दिए हैं और दो शून्य का हम ज्ञात कर सकते हैं
अगला किस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे।